हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ स्टार्ट योर केमिस्ट्री लेक्चर। ओके, नाउ स्टार्ट केमिस्ट्री लेक्चर। और मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का दो स्केल बताया था। एक बताया था आपको पॉलिंग स्केल और एक बताया था मुलिकंस स्केल। ओके ना। और एक स्केल मैंने और बोला था, मैं ये भी बोला था कि आपके मतलब इसमें नहीं दिया हुआ जो आपके जो वॉल्यूम है उसमें नहीं है, बट वो भी एक और स्केल है। तो उस स्केल के बारे में मैं बता दे रहा हूं, लिख लो। उसको बोलते हैं एलॉर्ड एलरेड एलरेड रोचो एलरेड। वन मिनट। एलरेड एलरेड रोचो एलरेड रोचो मेथड। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने का तरीका है, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने पॉलिंग स्केल पे सीखा, पॉलिंग स्केल पे सीखा, मुलिकंस पे सीखा, और ये तीसरा जो स्केल है वो है एलर्ड रोचो रनचोर दस वाला ये। ठीक है। तो इस इक्वेशन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाला जाता है उसका जो फॉर्मूला होता है 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव, जो कि हमने आपको निकालना सिखाया है, अपॉन आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर प्लस 0.744। तो बी केयरफुल कि यहां आर स्क्वायर है, ऑप्शन में हो सकता है आपको आर मिले तो आर वाला टिक मत कर देना, ऑप्शन में हो सकता है 0. कुछ और 7. और जगह कुछ और लिखा हुआ मिले वो मत टिक कर देना। ठीक है। तो आपका इस टाइप का एक फॉर्मूला या तो पॉलिंग स्केल का या तो हाँ एक बात और है कि किया जाएगा वो, तो इस पे ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। तो स्टेटमेंट पे ध्यान देना। क्वेश्चन लिखो कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन यूजिंग, वो लिखिएगा तुम्हें एलर्ड रोचो मेथड, कोवेलेंट रेडियस ऑफ सिलिकॉन इज, कोवेलेंट रेडियस ऑफ सिलिकॉन इज 1.175 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना यहां वैल्यू एंगस्ट्रॉम में ही पुट करना है, 1.175 एंगस्ट्रॉम। तो आप इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करोगे तो इसमें क्या क्या चाहिए, 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव जिसका हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना होगा उसका जेड इफेक्टिव निकालना होगा, यानी यहां पर तुम्हें सिलिकॉन का जेड इफेक्टिव निकालना होगा, यानी अब तुम बैक साइड फिर से चले गए, जेड इफेक्टिव निकालोगे। रेडियस, एक डेटा तुम्हें केवल रेडियस दिया जाएगा और उसमें से कितना ऐड करना है 0.744। तो पहले आप जेड इफेक्टिव निकालो, रेडियस के स्क्वायर करके डिवाइड करो और 0.744 ऐड करो और फिर मेरे को बताओ जल्दी से आंसर कितना आएगा। आपके पास 2 मिनट का टाइम है। नाउ स्टार्ट, फर्स्ट वी फाइंड आउट जेड इफेक्टिव। तो फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा। तो यहां 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में सिलिकॉन का, एक पे निकालेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 × 0.35, जस्ट इनर पे 0.85 × 8, जस्ट उसके इनर पे 2 × 1। इसको कैलकुलेट कर देंगे हम, कैलकुलेट करने के बाद हमारा कितना आ गया सिग्मा, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट 9.85 आ गया। अब जेड इफेक्टिव कितना आएगा, तो जेड इफेक्टिव रिजल्टेंट कितना आया, तो 14, जेड माइनस
रिपल्सन, रिपल्सन कितना है 9.85, 10 और 3.15, 3.15। तो मीठा तन्या अन्वय ये तुम लोग 4.15 कहां से आ रहा है। नाउ अब इसका वैल्यू पुट कर दो तो हमें निकालना x, तो 0.359 इंटू जे डिफेक्टिव का वैल्यू 4.15 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.175, इसको एंगस्ट्रम है एंगस्ट्रम में रहने दो, प्लस 0.744, कैलकुलेशन करो, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ओके ना, तो बी केयरफुल मैं क्या बोल रहा हूं। 4.15 ये हो गया, 1.48 ये ऊपर वाला, अगर हम ऊपर वाला अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा हो जाएगा 1.48985, तुम दो ही डेसिमल निकालो चलता है, डिवाइड बाई 1.175 डिवाइड बाई 1.175 ये आ जाएगा 1.711175 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1.07, मैं फिर से कर दे रहा हूँ, 1.48985 डिवाइडेड बाई 1.175 डिवाइडेड बाई 1.175, 1.079 आ रहा है बराबर। और इसमें ऐड कर दूं मैं, इसका कैलकुलेशन मैं किया इसका, और इसमें मैं कितना ऐड कर दूं, इसमें ऐड हो जाएगा 0.744, तो इसका जो वैल्यू आ गया 1.079 प्लस 0.744, इसमें मैं ऐड कर दूं कितना 1.079, तो 2.1 आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा, सही है ना, 1.8 आ रहा है। तो इसमें जो हमने कैलकुलेशन करने के बाद, ये कैलकुलेट होने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है 1.82 आ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हो जाएगा सिलिकॉन का वो यहां हो जाएगा 1.82 किसके मेथड से, मुलिकंस सॉरी एलर्ड रोचो मेथड से, एलर्ड रोचो मेथड से, इसको थोड़ा ध्यान में रखना आप, ओके। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करवाता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो उस पर आप थोड़ा ध्यान देना, अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप राइट डाउन करो, हेडिंग डालो चॉकलेटी प्रॉब्लम, हेडिंग डालो चॉकलेटी प्रॉब्लम, तो उसका आपको आंसर करने है, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग तुम्हें क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 10-15 क्वेश्चन अच्छे अच्छे करवा रहा हूँ, अच्छे अच्छे करने का मतलब क्वेश्चन में ट्विस्टेड, तुम्हारा ऑप्शन से भी ट्विस्ट हो सकता है, तुम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को हार्ड बनाया जा सकता है। हार्ड का मतलब ये नहीं होता है कि हमें उस चीज के बारे में मालूम ही नहीं हो, हार्डनेस का मतलब होता है कंसेप्ट मिसिंग, हम कहाँ कर रहे हैं, गलतियां हम कहाँ तुमसे करवा रहे हैं। तो चलो क्वेश्चन लिखो, ओके, हाँ चॉकलेटी प्रॉब्लम वही है, तो हेडिंग डाल लो चॉकलेटी प्रॉब्लम और क्वेश्चन नंबर 1, एमोंग हेलोजन, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, एमोंग हेलोजन, थोड़ा फास्ट लिखना, फास्ट बनाना, देखते जल्दी किसको, हो सकता है ये पेपर में ये सब क्वेश्चन इस टाइप के आए। एमोंग हेलोजन द ऑर्डर ऑफ amount of energy released in electron gain enthalpy, short में लिखा हूं मैं, electron gain enthalpy is, option में है fluorine, chlorine, bromine, iodine, दूसरा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीसरा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
फोर्थ वन है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। अब बात ऐसी है कि क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, टफ बना दिया गया है। क्या होगा ऑप्शन? हाँ, और ऋतुजा का फोर आया है और श्रीनिवास का फोर आया है, अंकुश का कुछ आया है, पार्थ का आया है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे फोर भेज रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे थ्री भेजे हैं, बहुत सारे बच्चे टू भी भेजे हैं। अब बताओ इक्वेशन कहाँ तुम्हें टफ लग रहा है, और इसका आंसर है तुम्हें थर्ड। तुम्हें फोर नजर आ रहा होगा, फोर कौन बोला तुमसे? इसलिए बोला है क्वेश्चन को टफ घुमाया जा सकता है। फोर्थ इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन गेन थ्योरी पूरे पेरिटोल में क्लोरीन का होता है, फिर फ्लोरीन का होता है, ब्रोमीन और आयोडीन। ये ऐसे मैंने सीक्वेंस लिखवाया, ये सीक्वेंस क्या सही है क्या? नहीं है। फोर्थ ऑप्शन क्यों बोलेंगे? इसी में तुम गलती करते हो, बराबर है क्या? तुमसे ऑप्शन जब इधर से उधर निकाल के जब दिया, इसलिए प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है हर चीजें, हम जानते हुए भी गलती कर देते हैं, इसीलिए तुमसे बोला जाता है एमसीक्यू करो। हम जानते हैं कि क्लोरीन ज्यादा होगा, फिर फ्लोरीन ब्रोमीन, अब तुम बोल रहे हो फोर, लेकिन तुम कंफ्यूजन में आ गए कि ब्रोमीन आगे लिखो कि फ्लोरीन आगे लिखो। फ्लोरीन आगे होता है, ब्रोमीन क्यों आगे होगा, जब एक्सेप्शन होना चाहिए था फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लेकिन एक्सेप्शन की वजह से क्लोरीन आगे आता है फ्लोरीन पीछे जाता है। अब ये नहीं कि पीछे जाने का मतलब ब्रोमीन से पीछे नहीं चला जाता है, ये सीक्वेंस होता है, ये होना चाहिए था। ये ऑप्शन क्यों बोलेंगे? ब्रोमीन क्यों आगे करेंगे हम? ये तो ऐसी गलत है, फ्लोरीन का गलत है, ये फ्लोरीन का ज्यादा दिया हुआ है, ये आयोडीन का ज्यादा दिया, ये तो बिल्कुल गलत है। तुम ऑप्शन फंसोगे थ्री और फोर में। साइन की वजह से कंफ्यूजन क्या होगा? साइन इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी हमेशा निगेटिव होता है, और साइन नहीं भी चेक करना है तो हटा दो साइन को, जितना ज्यादा रिलीज करेगा, सबसे ज्यादा रिलीज कौन करेगा? क्लोरीन। अब यहां ऑप्शन में तुम्हें नहीं मिल रहा है ऐसा, ऐसा ऑप्शन कहीं देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसा ऑप्शन बनाया गया है, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन, और ब्रोमीन ज्यादा है आयोडीन से। अब ये सीक्वेंस नहीं तुम्हें दिखाई दे रहा, लेकिन एक्चुअल में है, क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन एंड क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन। हाँ, ये इसमें और इसमें तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तो क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन स्टेटमेंट ट्रू है ना, ये लिखा हुआ इस पे पहले ध्यान दो, इस पे क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन ये स्टेटमेंट ट्रू है, और इस पे ध्यान दो क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन ये ट्रू है, और ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन ये ट्रू है, तो हर स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है, यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट है। इसीलिए तुम बोलते हैं कि इस क्वेश्चन में तुम फंस जाओगे, बराबर है क्या? तो बी केयरफुल, और ऐसे क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आने वाले हैं, सोच सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? तो जो भी चीजें कराऊ उसको ध्यान से देखना, हो सकता है कि तुम्हें कंफ्यूजन ऑप्शन में करा दूं मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी एंड लिस्ट निगेटिव। क्वेश्चन लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव, या ऐसा करो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं लिख रहा हूं, तुम जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं तुम अटेम्प्ट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन बाद में लिख लेना। द मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लिस्ट निगेटिव मोस्ट निगेटिव एंड लिस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। पहला ऑप्शन है PCl, दूसरा है CLF, जो बल्ब आता है, CLS, CLP। तो मुझे इसमें ऑप्शन बताओ 1, 2, 3, 4 में कौन सा ऑप्शन होगा? तुम स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिखते रहना, कौन सा आंसर हो जाएगा?
अच्छा, इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का, क्लोरीन का। अगर इस तीनों में बात करें तो नंबर ऑफ ऑर्बिट चेक करेंगे, किसका नंबर ऑफ ऑर्बिट कम है? फ्लोरीन का, फ्लोरीन का होगा। अब फास्फोरस और सल्फर में, तो सल्फर जो है ये फास्फोरस हाफ फील्ड है, तो ये कम एनर्जी रिलीज करेगा और ये ज्यादा करेगा। सल्फर का ज्यादा होगा और फास्फोरस का कम होगा। ऐसा भी दोनों में एक्सेप्शन हम नहीं चेक करते हैं। चेक किस में करते हैं? हम फास्फोरस सिलिकॉन में चेक करेंगे। इसमें तो आयनेशन एनर्जी कंपेयर करते हैं ना, इसमें आयनेशन एनर्जी कंपेयर करते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। तो ऐसे ही फास्फोरस इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में आगे होगा, बराबर है क्या? तो इसका सबसे ज्यादा रिलीज और सबसे कम रिलीज, सबसे ज्यादा रिलीज मोस्ट निगेटिव और लिस्ट निगेटिव। मोस्ट निगेटिव इज क्लोरिन एंड लिस्ट निगेटिव इज फॉस्फोरस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथेल्पी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथेल्पी क्वेश्चन है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथेल्पी, वो भी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑक्सीजन सल्फर एंड सेलेनियम। ऑप्शन में है ओ एस एस ई, ऑप्शन में है एस एस ई ओ, ऑप्शन में है ए सी एस ओ, ऑप्शन में है एस ओ एस ई। थोड़ा फास्ट करना, स्क्रीनशॉट लेना, लिखने के चक्कर मत लगना, बाद में सेशन खत्म हो जाने के बाद लिख लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाओ, डायरेक्ट अटेम्प्ट करो, स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ओ एस एस सी। मैं बताया था एक्सेप्शन है ओल्ड स्टाइल से टीपो, क्या होना चाहिए था? ओल्ड स्टाइल से टीपो होना चाहिए था, टीपो, टी हटा देते हैं। अगर यहां पर हम ये होना चाहिए तो एक्सेप्शन क्या होता है? टी ओ इतना पीछे जाता है कि सबसे पीछे भाग जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में साइज की वजह से। ओल्ड स्टाइल से टीपो ये गलत हो गया, ओल्ड ऑक्स ओल्ड पीछे जाना चाहिए। ऑक्सीजन इतना पीछे भागा कि सबसे पीछे भागता है वो, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर एलिमेंट ए बी सी डी आर गिवन बिलो, आर गिवेन बिलो। पहला ऑप्शन है 1s2 2s2 2p6, दूसरा है 1s2 2s2 2p4, तीसरा है 1s2 2s2 2p6 3s1, चौथा है 1s2 2s2 2p5। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पहला है ऑप्शन ए है, ए है 1 3 2 4, दूसरा है 1 2 3 4, सी ऑप्शन है 4 2 3 1, डी ऑप्शन है 4 1 2 3। क्या होगा? कोई 4 बोल रहा है, कोई C बोल रहा है, एक बोला करो, एक सुर में आवाज आना चाहिए। इसीलिए तो तुम्हारा गलती होता है एग्जाम में, तुम्हें एक सुर में आवाज होना चाहिए और कंसेप्ट बिल्कुल। तुम, मैं बोला हूं क्वेश्चन मत लिखो, स्क्रीनशॉट लो। कोई ऑप्शन ए बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, क्या बोलते हैं हमें भी समझ नहीं, समझ में आ रहा तो लिख लो। ये क्या है? ये नियॉन है। तो नियॉन ये क्या है?
आठ, काउंट कर लो आठ। आठ किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। ये किसका है? सोडियम का है। और ये किसका है? नाइन, फ्लोरीन का है। सबसे कम किसका होगा? सबसे कम नियॉन का, यानी पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन दो ही है, यानी तीसरा और चौथा होने के कोई चांसेस नहीं है। फर्स्ट वी इलिमिनेट, पहले आप ऑप्शन को इलिमिनेट करना सीखो। तो अब हमारे को जो चार क्वेश्चन में 25% प्रोबेबिलिटी बनता है सही होने में, अगर हमने दो क्वेश्चन को इलिमिनेट कर दिया, हमारा 50% अब चांस है कि क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब 50% में हमें 100% करने हैं प्रोबेबिलिटी को। अब इसमें हम देख लेंगे, अब इसमें कहां प्रॉब्लम है? वन और फोर में प्रॉब्लम नहीं है, टू और थ्री में। अब देखो ये ऑक्सीजन है, और ये सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का। फिर किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा ना, और उसके बाद किसका होगा? ऑक्सीजन के बाद सोडियम का होगा, फिर नियॉन का होगा, क्योंकि इसका दो ऑर्बिट है, इसका दो ऑर्बिट है, और इसका तीन ऑर्बिट है, और इसका तो बात ही नहीं करेंगे, ये तो क्या है? इनर्ट गैस है। तो दो ऑर्बिट का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू थ्री ऑर्बिट। जब दो ऑर्बिट में चेक करना है तो फ्लोरीन 9 प्रोटॉन और 8 प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास जाओ, प्रोटॉन 9 प्रोटॉन तो ज्यादा, ये इसके प्रोटॉन के पास मत चले जाना। इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? फोर का। तो फोर दोनों में है, उसके बाद किसका होगा? ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन है, टू होगा, यानी ऑप्शन वन इज करेक्ट। ऑप्शन वन इज करेक्ट, वन में फोर का ज्यादा होगा, फोर के बाद टू होगा, ठीक है, क्योंकि दो ऑर्बिट है इसमें, जिसमें तीन ऑर्बिट है, तो दो ऑर्बिट का रेडियस, दो ऑर्बिट का साइज कम होता है ना। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा? ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, ठीक है। गलतियां बहुत कर रहे हो तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव है शायद। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथेल्पी में भी पॉजिटिव फॉर सम एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन गेन इंथेल्पी में भी पॉजिटिव फॉर सम एलिमेंट। सेकेंड, सम इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी एटम या एलिमेंट। थर्ड, डेल्टा ईजी एच के प्लस इक्वल टू माइनस आई ई के। डी, ऑल आर करेक्ट। अब देखो इसमें आंसर होगा डी, सेकंड नहीं होगा, डी होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है किसी एलिमेंट के लिए, सम एलिमेंट के लिए, बिल्कुल सही बोला। जैसे अभी नियॉन के लिए देखे, तो नियॉन में अगर इलेक्ट्रॉन एंट्री कराना है तो हमें इसमें एनर्जी देना पड़ेगा, तो ये करेक्ट है, ये नहीं कि फॉल्स है। सम एलिमेंट के लिए बोला है, कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सही बोला है, ऑलवेज निगेटिव नहीं होता है। ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में निगेटिव हो जाएगा, क्लोरीन में निगेटिव हो जाएगा, लेकिन सोडियम में निगेटिव होगा क्या? सोडियम में तो देना पड़ेगा, सोडियम में एनर्जी देना पड़ेगा ना, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज ओ से ओ माइनस जाना और ओ से ओ माइनस टू जाना। दूसरा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है किसी भी एटम के लिए, ये 100% करेक्ट है। और ये ईजी के प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल टू आयनेशन एनर्जी ऑफ के, वही तो बोला था, के से के प्लस जाना, आयनेशन एनर्जी इज इक्वल टू के प्लस से के में आना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो स्टेटमेंट में नहीं लिखा है, उस सिंबॉलिक में लिखा हुआ है,
ये इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ के प्लस इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ के, और वो भी कैसा, साइन। अब तुम बोलोगे सर साइन इधर लगाया हुआ है, इधर लगाना चाहिए ना, कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ दोनों तरफ माइनस लगा दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लगा हो जाएगा। समझ में आएगा, दोनों एक दूसरे के साइन अपोजिट होते हैं तो साइन कहीं भी लगाओ चलता है। यानी कि सर आयोनाइजेशन एनर्जी की तरफ साइन माइनस लगाया कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, लेकिन ऑप्शन में भी मैं चेंज कर दूं तो बिल्कुल ध्यान रखना। लेकिन स्टेटमेंट जो है वो आपका कंसेप्ट है, ठीक है, वो आपका कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय, क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is affected by stable electronic configuration of an atom, electronegativity, second ionization enthalpy, third electron gain enthalpy, correct is only electronegativity, B only, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, C both इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डी ऑल ऑफ द अबोव। अब बहुत सारे सी बोल रहे हो, बहुत सारे डी बोल रहे हो, सी आंसर राइट है। स्टेबिलिटी से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर रहे थे उसमें स्टेबिलिटी का कोई रोल आ रहा था क्या? कोई रोल आ रहा था? जब तुम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मुल्किंस स्केल पे या पॉलिंग स्केल पे जब तुम कैलकुलेट कर रहे थे तो क्या तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना था क्या? स्टेबिलिटी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों जो है वो इस पे डिपेंड करेगा। स्टेबल, जैसे स्टेबल है तो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगा, स्टेबल है तो उसमें से एनर्जी कम रिलीज होगा। समझ में आ गया? और जिसको डाउट है वो व्हाट्सएप करना। ओके ना? तो जिसको अगर आर्गुमेंट चाहिए तो व्हाट्सएप करना। पहले सोच लो, समझ लो, इसके बाद हम इस पे आर्गुमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कराना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ CnOF ऑन पॉलिंग स्केल। देखे इतना ही क्वेश्चन कराया तुम सबका अलग अलग ऑप्शन आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, तो बी केयरफुल, आप ऑप्शन सही सेलेक्ट करो।
पहला डिक्रीज फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन, सेकेंड इंक्रीज फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन, इंक्रीज अप टू ऑक्सीजन एंड देन डिक्रीज डिक्रीज अप टू फ्लोरीन, फोर्थ डिक्रीज अप टू कार्बन टू नाइट्रोजन एंड देन इंक्रीज कंटिन्यूअसली। तो इलेक्ट्रोनिटी का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन बोलो जल्दी से, ऑप्शन टू। अब इसमें भी फोर भी आया है ऑप्शन मेरे को, और टू भी आया है। अब देखते हैं कौन सा सही है, टू भी आया है फोर भी आया है। अब देखो क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, अब फोर भी आया, बहुत सारे को फोर भी आया, बहुत सारे को थ्री भी आया, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। तुम भूल गए, तुमसे कंफ्यूजन में डाल दिया उसने, क्या लिख के डाल दिया, ऑन पॉलिंग स्केल। अरे इसको लिखने से क्या फर्क पड़ता है, बी सी एन ओ ए भूल गए क्या? इलेक्ट्रोनिविटी, इलेक्ट्रोनिविटी का वैल्यू लेफ्ट राइट क्या होता है, तुम कई बार पढ़े कि इलेक्ट्रोनिविटी का वैल्यू लेफ्ट राइट बढ़ता है। जैसे ही वर्ड तुमसे इंक्लूड किया पॉलिंग स्केल, तुम हो गए कंफ्यूजन में, और तुमसे ऑप्शन दे के कंफ्यूजन करवा दिया, जानबूझ के तुमसे कंफ्यूजन करवाया कि तुम कंफ्यूजन में हो, तो हमारे कंसेप्ट डगमगा जाते हैं ऑप्शन को देख के। समझ में आया क्या? हमारे जो कंसेप्ट है वो डगमगा जाते हैं, क्योंकि अभी हमारा कंसेप्ट हमने स्ट्रांग नहीं बनाया है। तो डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू सी टू एफ, इंक्रीज फ्रॉम सी टू एफ, यही ऑप्शन करेक्ट है। ये क्यों होगा, ये कौन बता दिया? केवल पॉलिंग स्केल लिखने से ऐसे थोड़े हो जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं। ऑप्शन सेकंड जो हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट बढ़ता है वही होगा, ये लिखने से थोड़े ना तुम्हारा। तो दो क्वेश्चन ऐसे अगर मैं देता कि फाइंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होगा, तो तुम आसान से कर देते कि फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन, लेकिन ये लिख के थोड़ा सा ये लिख दिया, कंफ्यूजन में आ गए तुम। तो बी केयरफुल कि कंफ्यूज ऑप्शन से भी तुम्हारे को कंफ्यूजन में लाया जा सकता है। तो एग्जाम वही काम करता है, एग्जाम में ऐसा नहीं कि महाभारत और रामायण के क्वेश्चन पोथी से निकाल के दे देगा, तुम्हें यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट करवाएगा ऑप्शन से। तो क्वेश्चन इजी को भी हार्ड बनाया जा सकता है, और तुमसे गलती करवाना हमारा मेन पर्पस है, हमारा मेन पर्पस है तुम गलती करो। जो एग्जाम में क्वेश्चन सेट होते हैं, जैसे मान लो जेई में या 45 क्वेश्चन नीट में सेलेक्ट हुए, नीट में हुए, तो नीट में से 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी होते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, 5 क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होते हैं, ट्रिकी टाइप का। तो ये अलग अलग फॉर्मेट होता है। अब इजी क्वेश्चन में से भी कंफ्यूजन आपको कराया जा सकता है, तो ये नहीं कि हम इजी हम जानते हैं हमसे कंफ्यूजन, ऑप्शन से कराया जा सकता है। ओके, तो आप हर बार एक ही आंसर दिया करो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिविटी ऑन पॉलिंग स्केल, क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल, ए एन पी सी एस आई, सी एस आई एन पी, सी एन पी सी एस आई, डी एन सी पी एस आई। तो जल्दी से बता दो किसका ज्यादा होगा, एक आया आंसर पार्थ का, सोहम का, दो ही आंसर आया, बाकी स्टूडेंट
अब देखो इसमें हाफ फील्ड और फुल फील्ड से क्या लेना देना है, हमें लेना देना किससे, एन सी सी एन और इसके नीचे सिलिकॉन, इसके नीचे फास्फोरस, इस दोनों में कौन ज्यादा होगा, सी में और एन में कौन ज्यादा होगा, एन, इस दोनों में कौन ज्यादा होगा, इस दोनों में कौन ज्यादा होगा, फास्फोरस, इस दोनों में कौन ज्यादा होगा, कार्बन, अरेंज कर दो, नहीं तो ऐसे निकाल लो सी एन एस आई पी, कितने ऑर्बिट, दो, कितने ऑर्बिट, दो, कितने ऑर्बिट, तीन, कितने ऑर्बिट, तीन, किसका अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका, अब इस दोनों में किसका ज्यादा है, सेवन प्रोटॉन सिक्स प्रोटॉन, तो पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, अब इसके प्रोटॉन के पास जाओ, फोर्टीन प्रोटॉन और फिफ्टीन प्रोटॉन, तीसरा नंबर ये हो गया, चौथा नंबर ये हो गया, एन सी पी एस आई, एन सी एन सी पी एस आई, फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, तो एक सूर में बोल रहा है एक आंसर, ये नहीं कंफ्यूजन में आ गए, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्वेश्चन नंबर टेन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ए ऑप्शन है लिथियम, बी एमजी, सी हाइड्रोजन और डीएनए, क्या होगा, चलो अब इसमें तुम कंफ्यूजन में आ गए, हाइड्रोजन लिथियम मैग्नीशियम, कोई एमजी बोल रहा है, कोई हाइड्रोजन बोल रहा है, कोई लिथियम भी बोल दो, जानते हो तुम, आज क्या करना, आज बोरॉन सी एन ओ एफ, ठीक है, हाइड्रोजन फास्फोरस सिलिकॉन सल्फर क्लोरीन सीजियम लिथियम मैग्नीशियम, इतने का इलेक्ट्रोनिविटी पहले याद करना, आप लर्न करना लिख के, इतना का डेटा याद करना, बाकी कंपेयर तो हम करते ही हैं, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वैल्यू 2.1 होता है, बाकी सबका इतना नहीं होता है, बाकी सबका इतना नहीं होता है, चेक कर लेना इसका, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, फिर भी आप गलती कर लोगे, समझ में आया क्या, तो बी केयरफुल और थोड़ा बहुत डेटा याद कर लो इलेक्ट्रोनिविटी का, 10-15 डेटा याद कर लो, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर्ड करने हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा जैसे मैं बोल रहा हूं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया 11, How many of the following? क्योंकि अब जेई में तुम्हें न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आने लग गए, मेंस में 5 क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरॉन, कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो बोरॉन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑप्शन में मान लो आएगा पहला ऑप्शन 4, दूसरा 5, तीसरा 3 और चौथा 6, तो आपको ऑप्शन में क्या टिक करोगे, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरॉन, कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बोरॉन से उनका इलेक्ट्रोनिविटी ज्यादा होता है, कितने होते हैं, 11 का आंसर अंकुश, हाँ, ए
बहुत जने का आंसर 4 आ रहा है और बहुत का आंसर 5 आ रहा है, इसलिए तो क्वेश्चन दिया मैंने। और ध्यान रखना इस बार क्वेश्चन मैं सेट कर रहा हूँ, 100% कंफ्यूजन में आओगे नहीं तो अच्छे से तैयारी करो। दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, हर लाइन में कंफ्यूजन होगा तुम्हारा। अब इसमें जो है बोरोन बी सी एन ओ एफ यहां है, लिथियम बेरिलियम ये कम होगा इसके बारे में बात ही नहीं करें, एक कम होगा इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। बोरोन से ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा। अब तुम्हें चार तो ज्यादा दिख रहा है, पांचवा तुम्हें नहीं दिखेगा, इसीलिए दिया गया पांचवा हाइड्रोजन का बोरोन से ज्यादा होता है। बोरोन का होता है 2.04 और हाइड्रोजन का होता है 2.1, ये ज्यादा गिरता है। तुम चार आंसर करोगे, 1, 2, 3, 4, पांचवा तुम्हें नजर नहीं आएगा, इसीलिए तुम चार आंसर करोगे गलत हो जाएगा, तुम्हारा पांचवा आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन इजी होगा लेकिन तुमसे भूलवाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 12 राइट डाउन। क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 12, ए माइनस ए प्लस 2 गैसियस फेज में है, डेल्टा एच 1100 किलो जूल पर मोल है और ए गैस से ए प्लस 2 डेल्टा एच 1200 किलो जूल है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथेल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथेल्पी ऑफ ए इज पी इंटू 10^2 किलो जूल पर मोल, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में दिया रहेगा, मान लो ऑप्शन में दिया 1, 2, 3 में 3, 4 में 4, तुम क्या सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो अगर जल्दी से बता सकते हो तो बताओ कि क्या होगा। ठीक है, अगर नहीं बता सकते तो कल इसको हम ट्राई करेंगे। ओके, तो अच्छे से थोड़ा इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी और इसका तैयारी करो आप।